अब तक एक अभियान रहा जन सुराज गांधी जयंती पर बुधवार को राजनीतिक दल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। पटना में वेंटनरी कॉलेज का परिसर इसका साक्षी बनेगा। वहां 5,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला विशाल मंच तैयार हो चुका है। उसी मंच से दोपहर 2 बजे जन सुराज के अध्यक्ष व संचालन समिति की घोषणा होगी। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष पहले गांधी जयंती पर ही पश्चिम चंपारण जिला में मितरवा के जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके ने पदयात्रा की शुरुआत की थी। आधिकारिक दावा है कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्य मिलकर जन सुराज का गठन कर रहे हैं। सफलता विफलता का आकलन के बाद अभी राजनीतिक में पुस्तकों में नया अध्याय जुड़ रहा है। यह अध्याय बिहार का है, लेकिन इसे पढ़ने समझने के लिए पूरा देश उत्सुक है। इसका कारण पीके की अपना व्यक्तित्व है। हालांकि ये राजनीतिक दल के रूप में जन सुराज में कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। 1 वर्ष की पदवाली वाला पहला अध्यक्ष अनुसूचित जाति से होगा। गांव जवार की उनकी पदयात्रा जारी रहेगी और पर्दे के पीछे से जन सुराज के अध्यक्ष का संचालन समिति को अपना परामर्श देते रहेंगे। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि पार्टी के संदर्भ में किसी भी निर्णय के लिए अधिकृत संचालन समिति के 25 सदस्य होंगे। इस घोषणा के साथ संविधान समिति भी घोषित हो सकती है जो राजनीतिक दल के रूप में जन सुराज का संविधान तैयार करेगी। बहरहाल स्थापना सम्मेलन में सहभागिता के लिए पूरे बिहार में समर्थकों कार्यकर्ताओं और नेताओं का जुटान होना है। इसके लिए पिछले कई दिनों से वेंटनरी कॉलेज परिसर में तैयारियां चल रही थी। वहां 1,000 लोगों के बैठने और खाने पीने की व्यवस्था हुई। पूरा पटना के जन सुराज के होर्डिंग्स टंग चुके हैं। वही आपको बता दें, बिहार का मिजाज तो वैसे भी फ्रंट रहता है। बाराबार के पुराने प्रयोगों में यह विदग जाता है जो नए दावों से मुंह फिर लेने में भी नहीं हिचकता। इसका परिणाम पिछले वर्षों से बनते बिगड़ते रहे राजनीतिक दल है। अब बारी जन सुराज की है जो अब अभियान का चोला उतार राजनीतिक दल की काया में समा रहा है। इसके साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें हम कि बिहार के लिए एकमात्र विकल्प बता रहे सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके का दावा है कि इसके रीति रिवाज राजनीति को जिम्मेदार बनाने वाली होगी। इसी आधार पर जन सुराज की सफलता और स्थायित्व का दावा है। पिछले 2 दशक में बिहार में लगभग 1 दर्जन राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। इनमें से सर्वाधिक 4 पार्टियों का गठन तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब तक एक अभियान चल रहा जन सुराज गांधी जयंती पर बुधवार को राजनीतिक दल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो वहीं पटना में वेंटनरी कॉलेज का परिसर इसका साक्षी भी बनेगा। वहां 5,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला विशाल मंच जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसी मंच से दोपहर 2 बजे जन सुराज के अध्यक्ष व संचालन समिति की घोषणा होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।